आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल राइड ड्यू 250 जेन 3 का आज हम एक डिटेल राइड रिव्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर डेटा लेट्स गेट टू द वीडियो। आई होप सिनेमैटिक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अब बात करते हैं बाइक की डिटेल्स, लुक्स और स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले लुक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। जिस तरह का अग्रेसिव लुक आता है जो सुपर ड्यूक से ड्राइव है, ये पूरा 1290 जो सुपर ड्यूक आती है। और अब ये जो अटलांटिक ब्लू कलर इसमें लॉन्च हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इस लाइनअप में सबसे अच्छा कलर ये लग रहा है। एक कलर इसमें और अवेलेबल है, ये सेरेमिक वाइट कलर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑरेंज और एक कलर आता है, वो यहाँ पर खड़ा है। इलेक्ट्रिक ऑरेंज ये कलर है और इसमें भी अवेलेबल है। सबसे लेटेस्ट कलर ये वाला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ऑरेंज एलिमेंट जो है इसमें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है कंपनी ने। सिर्फ एलॉय व्हील्स आपको इसमें ऑरेंज देखने को मिलेंगे, बाकी सब ब्लैक डॉट है। और जो पैनल्स पे ड्यूक लिखा हुआ है वो आपको ऑरेंज में देखने को मिलेगा। अगर इसके व्हील्स भी ब्लैक कर दिए जाए तो इसकी लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, एक लगी लुक देगी ये बाइक। और आई गेस किसी ने कर भी लिया होगा और जो लोग खरीदेंगे वो करेंगे, तो मतलब तभी पता चल पाएगा कि इसकी लुक कैसी आएगी। प्राइसिंग और वेरिएंट्स की अगर बात करें तो एक ही वेरिएंट कंपनी ने इसका लॉन्च किया और ये तीसरा कलर लॉन्च किया। तीन कलर टोटल हो गए हैं, सेरेमिक वाइट, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और अटलांटिक ब्लू। तीनों के प्राइस सेम है, 2.41 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि मतलब कलर के हिसाब से जो है कंपनी ने प्राइस जो है अलग अलग नहीं रखे हैं, तीनों कलर के प्राइसेस सेम है। और ये कंपनी जो है कलर के हिसाब से चेंज कर देती हैं प्राइसेस, जो कि मतलब एक मोरली चीज़ सही नहीं है। मतलब कलर में आपका कितना खर्चा हो रहा है, ऑब्वियसली अगर आप ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हो उस पर बैजिंग अलग है, थोड़े फीचर्स अलग हैं तो वेरियंट अलग होता है, लेकिन कलर्स के हिसाब से पैसे ज़्यादा चार्ज करना इज़ नॉट रीजनेबल आई गेस। करते बाइक के मेन कॉम्पोनेंट की यानी कि इंजन की, जो सबसे बड़ा अपग्रेड है इसमें LC4C इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। LC4C का मतलब क्या है, लिक्विड कूल्ड फोर वाल्व कॉम्पैक्ट इंजन, इसका मतलब ये है। मतलब KTM के हिसाब से यही है, इसका कुछ और भी हो सकता है। तो 249.07 cc यहाँ पे आपको मार्किंग भी दिख जाएगी। बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड इंजन है और बहुत ही पावरफुल इंजन भी है। 31 PS ऑफ पावर एट 9250 RPM एंड 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 7250 RPM। लो एंड टॉर्क भी अभी चला के चेक करेंगे कि एक्चुअल ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है इसका, क्योंकि जो पहले वाली ड्यूक थी उसका जो लो एंड टॉर्क था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो जर्क करती थी काफ़ी। अभी हम उसको ही चला के आ रहे हैं तो लो एंड मतलब 4000-5000 RPM से कम में तो उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं आती है, बिल्कुल आपको उसको हाई RPM पे ही खींच के रखना पड़ेगा। तो दैट्स अ थिंग जो कंपनी ने अब इम्प्रूव कर दी और इस बाइक में तो वो नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। डिज़ाइन के मामले में एक और चीज़ कंपनी ने चेंज कर दी, जो पूरा एग्जॉस्ट था यहाँ पे सेटअप मिलता था, इससे बाइक हल्की भी हो गई और अब आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी साउंड भी चेंज हो गई। पहले जो साउंड होती थी वो बहुत अलग होती थी, अब साउंड जो है थोड़ा रिफाइंड हो गया और यहाँ पे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इंजन मेटेड है 6-speed गेयरबॉक्स से और इस गेयरबॉक्स में आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन दोनों। और क्लचलेस शिफ्टिंग ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको क्लच यूज़ करना ही पड़ा तो भाई यहाँ पे स्लीपर और असिस्ट क्लच भी अवेलेबल है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग की अब बात करते हैं। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको WP Apex के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। 43mm का अपसाइड डाउन 4K है और सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है। कंपनी का कहना ये भी है जैसे जैसे आप इसको चलाते हो उसके हिसाब से ट्यून हो जाता है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये थोड़ा स्टडी भी लगता है देखने में। पीछे के सस्पेंशन की अगर बात करें तो पीछे का सस्पेंशन अब ऑफ साइड माउंट हो चुका है, पहले ये सेंटर माउंटेड होता था अब ये साइड माउंटेड हो चुका है। WP Apex का ही मोनोशॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका ट्रैवल है 150mm। तो वैसे ये थोड़ा स्टिफ है अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊँ, पर इसका जो रिबाउंड है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ प्रीलोड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, वो भी 10 स्टेप, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, अब इसको साइड माउंटेड इन्होंने इसलिए कर दिया है क्योंकि एक तो एयरबॉक्स के लिए ज़्यादा जगह बनानी थी। इसके पीछे आप देख सकते हो पूरा एयरबॉक्स बना हुआ है। और इसको साइड माउंट करने से एक और चीज़ एक्सेसिबल हो पाई है, इसकी सीट हाइट जो है वो अब थोड़ी कम हो गई है, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कितनी कम हो गई है। ब्रेकिंग की तरफ अगर बढ़े तो फ्रंट में आपको ये बड़ा सा हबलेस डिस्क देखने को मिलेगा जो कि 320mm का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4.5mm इसकी थिकनेस भी है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है हीट डेसिपेट करने में ज़्यादा मदद करता है, ये जल्दी जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब आप ब्रेकिंग करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है। एंड उसको डेसिपेट करने के लिए मतलब अगर वो डेसिपेट जल्दी नहीं होगी, हीट जल्दी रिड्यूस नहीं होगी, तो आपकी ब्रेक भी फेल्स हो सकती है, क्योंकि जो पैड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं ज़्यादा डेज हीट होने से। बाइब्रे के 4-piston कैलीपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रेडियल कैलीपर्स हैं यहाँ पे। पीछे की तरफ अगर आए तो ये डिस्क जो है अब 10mm बड़ा हो चुका है, पहले 230mm का डिस्क आता था, अब 240mm का डिस्क आ रहा है विद डुअल पिस्टन कैलीपर। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ब्रेकिंग तो ड्यूक की वैसे हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है,
होती है, पर ये टू पिस्टन कैलिपर इन्होंने जो दे दिया है पीछे। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के एलॉयज देखने को मिलेंगे। MRF के स्टील ब्रेस टायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट में 110 सेक्शन 70 का टायर और पीछे की तरफ 150 सेक्शन 60 का टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रोड टायर सही है और बहुत ही देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और प्लस इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होने वाली है। कॉर्नरिंग गेम जो है KTM की वो भी बहुत अच्छी होती है, तो उसी हिसाब से पूरे डिजाइन है, इनका डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, तो हैंडल बार और मीटर कंसोल की एक तरफ एक बार ध्यान दे लेते हैं। मीटर कंसोल को भी ऑन करते हैं। जो हैंडल बार के माउंट से पूरे चेंज कर दिया और आप देख सकते हो इनकी फील जो है वो बहुत ही अच्छी और प्रीमियम है। बिल्कुल भी जो है चीप फील नहीं होते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की जरा भी कोशिश करी गई है। अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको पूरा प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बटन्स की जो पूरी फील है मुझे नहीं लगता ये कभी भी ख़राब होने वाली है। प्लस ये बैकलिट भी है तो रात को आपको नेविगेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाएगा। हॉर्न स्विच की भी देख लो क्वालिटी कितनी बढ़िया है इसको आप। यहाँ पे आपको स्मूथ से टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी भी क्वालिटी कितनी अच्छी है। आजकल जो है ये सब जो है इंटीग्रेटेड दे रहे हैं। ये भी थोड़ा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है लेकिन ये अलग अलग स्विच हैं। ये देख लो इसकी भी फील कितनी बढ़िया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी बात करते हैं भैया, एक बार मीटर ऑन कोई नहीं उसका दिखा दो। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पर्सनली कौन सा कलर अच्छा लगा। ये है अटलांटिक ब्लू नया वाला कलर और ये हमारा सेरेमिक वाइट। इसमें सबसे ज़्यादा ऑरेंज एलिमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑरेंज, जैसे कि ये। इसमें आपको सिर्फ आगे वाली फेयरिंग और आगे की जो हेडलाइट वाला डिज़ाइन है साइड में वो आपको ऑरेंज देखने को मिलेगा। बाकी आगे ग्रे और पूरा जो है ग्रे थीम देखने को मिलेगा। चाबी का डिज़ाइन है बाइक की, वो भी काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये चाबी थोड़ी अपग्रेड कर दी है और ये इसके स्पेयर की का जो है कवर है वो आपको एक बार खोल के दिखा दूँ। फोकस कहाँ कर रहा है ये, हाँ ये कवर है इसका, आप इसमें इसको बंद करके रख सकते हो। तो काफ़ी प्रीमियम फील और देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब मीटर कंसोल इसका दिखा देता हूँ, 5 इंच का TFT कंसोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल डिस्प्ले के साथ। इसको ऑन करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ये। सारी ऊपर आपको वार्निंग लाइट, न्यूट्रल वगैरह जो बेसिक डिटेल है वो तो आपको यहाँ सारी यहीं मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरा नेविगेट कर सकते हो। इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो अभी दिखा रहा है, जैसे ट्रिप हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ये सब चीज़ें अभी दिखा रहा है। तो इसमें अभी आप करते हैं बैक, ये आ गया इसका मेन्यू। यहाँ पे दिखा रहा है ABS, तो इसमें आप मोड चेंज कर सकते हो। रोड मोड और एक सुपर मोटो मोड है। बाइक इन्फो में आपके सारी बाइक की डिटेल मिल जाएगी, बैटरी की वोल्टेज, रेंज, इंजन टेम्परेचर, ऑडोमीटर क्या है, 2 किलोमीटर भी चली है, सर्विस की आपकी ड्यू डेट कब होगी, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। वार्निंग्स भी है, अभी वो जो एक वार्निंग आ रही थी कि शायद फ्यूल कम है ये आ रहा था। बैक करेंगे, ट्रिप इन्फो, इसमें आपको दोनों ट्रिप की जो है सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नेविगेशन भी है इसमें, आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके जो है वॉल्यूम वॉल्यूम सेटिंग्स वगैरह इससे आप कर सकते हो। नाइस, ऑडियो प्लेयर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इससे आप गाने वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये ऐप के थ्रू होगा सब, KTM का जो अपना ऐप है वो आप, लैप टाइमर भी है इसमें, लैप टाइमर लगा के आप लैप स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और सेटिंग सारी आपको मिल जाएगी। क्विक सिलेक्टर कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऑन है शिफ्ट लाइट, तो सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छे फीचर लेस सेटिंग्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। फ्यूल कैपेसिटी और कंजप्शन की अगर बात करें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले 13.5 लीटर का आता था, 1.5 लीटर कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो मतलब लॉन्ग रूट्स पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। 30 km/h की माइलेज जो है ईयर है क्लेम्ड है, तो आपको एक 400 से 450 किलोमीटर की रेंज एक फुल टैंक में मिल जानी चाहिए, दैट इज़ गुड इनफ। लाइटिंग वैसे तो आपको हमेशा से LED देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा LED जो हेडलैम्प है, हेडलाइट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया है। इंडिकेटर्स आपको सेम मिलेंगे, पहले भी ये इंडिकेटर्स आते थे LED इंडिकेटर, ये काफ़ी फेमस भी है, मैंने भी अपनी एक्सपल्स में ये लगवा रखे हैं। पीछे की जो लाइट का डिज़ाइन है वो मैं, इसका तो चाबी नहीं है, इसमें आपको एक बार दिखाता हूँ। पीछे की लाइट का डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि अच्छी चीज़ भी है, पता चलना चाहिए कि हाँ नई बाइक है। थोड़ी फिंस वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पे ये भी अच्छा लगता है देखने में। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस की पहले बात करते हैं। 176 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, पर यार एक चीज़ की कमी लगी मुझे, यहाँ पर कोई भी इंजन गार्ड नहीं है। अब ऑब्वियसली नेकेड बाइक है तो पूरा एक्सपोज होगा, लेकिन ये थोड़ा एक्सपोज है और थोड़ा प्रोन है, इसके लिए शायद एज ए नेसेसरी एक इंजन गार्ड अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। 176 mm का ये ग्राउंड क्लियरेंस है, वो बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, अभी ब्रेकर्स वगैरह पर कहीं नहीं लग रही थी और देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। जो थोड़ा छोटा व्हील बेस है तो इससे कहीं लगने तो नहीं वाली है भाई। सीट हाइट की अगर बात करें तो 800 mm का सीट हाइट हो गया, पहले 835 mm का आता था और इसको आप एक एसेसरी लगा के 20 mm भी कर सकते हो। मैं तो हो गए बाइक के सारे स्पेक्स और अब करते हैं बाइक की राइड, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको राइड करने के लिए। पर राइड हम ये वाली नहीं करेंगे, राइड हम करेंगे ये वाली सेरेमिक वाइट। अच्छा 250 काफ़ी
रीज़न की। नाइस ब्रेकिंग यार, ब्रेकिंग बाइक की बहुत ऑन पॉइंट लग रही है। बहुत स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड इंजन भाई। क्लच की फील बहुत अच्छी है इसकी। इधर रास्ता ही ख़त्म हो गया, कोई नहीं वापस मान का। बिल्कुल हाई आरपीएम पे भी अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि फुट पैक्स और हैंडल में मैंने सुना कि वाइब्रेशन फील है, तो 5-6000 आरपीएम पे भी वो ग्रंट है थोड़ा, वो आवाज़ की वजह से जो आ रहा है वो अलग चीज़ है, पर ऐसे कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में। इसका भाई बहुत ही रिफाइंड लग रहा है, मतलब और जो सिटिंग पोस्चर है यहाँ से बैठ के भी आपको जो फील आती है ना कि वहाँ तक है भाई जो आगे का फेयरिंग है, तो बहुत बल्कि सी फील आती है कि आप एक प्रीमियम बाइक चला रहे हो, प्रीमियम चीज चला रहे हो। और वो आपको दिख भी जाएगा, जैसे मिरर्स की भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी दी हुई है, बहुत ही स्टडी है, तो देखने में भी अच्छी लगती है और ऐसी बाइक की जो फील आती है चलाने में वो भी बहुत अच्छी आती है। डिजिटल मीटर है ये, पर इसकी जो क्वालिटी है वैसे पिक्सल वाइज ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और सारी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी क्लियरली विजिबल हैं, प्लस ब्राइटनेस जो है इसकी वो भी अच्छी है, तो मतलब डे लाइट में आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, हर एंगल से ये जो है बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बाकी ओवरऑल अगर बात करी जाए ना तो चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बाइक, दिस कैन बी यूज्ड एज अ रेसिंग मशीन। इसको आप ट्रैक डेज पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप वीकेंड राइड पे भी यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे एक सीनियर राइडर हैं, उनके फ्रेंड जो है KTM ड्यूक 250 से ही जो जेन 2 है उससे जंस्कार गए हुए हैं, मतलब इतनी लंबी राइड ऐसी बाइक पे करना, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइडर एज वेल। तो बाकी बहुत ही अच्छी बाइक है ओवरऑल अगर बात करें तो, 250cc सेगमेंट में तो बेस्ट सेगमेंट किलर बाइक है ये। थोड़ी ओवर प्राइस लग सकती है आपको 250cc के हिसाब से, लेकिन इस बजट में आपको जो दूसरे ऑप्शन मिलेंगे स्पीड 400 और होंडा की CB300 वगैरह जो मिलेंगे, आप उनको चला के देख लो, इसको चला के देख लो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अगर आपको थोड़ा टॉर्की इंजन चाहिए तो आप उस साइड जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव डिज़ाइन चाहिए तो आप ये जा सकते हो, एग्रेसिव पावर चाहिए तो आप KTM की तरफ जा सकते हो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, चला के देखो फिर आप कंफर्म करना। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है बाइक से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, इस बाइक में और किसी और बाइक में कन्फ्यूजन है आपको, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई बाइक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।